I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. अच्छा तो खाना भी शुरू कर दिया। आई। बड़ी खुश नजर आ रही हो आज। सुना है आज तबीयत कुछ खराब थी, क्या हुआ था? ऐसा भी कोई पूछता है? बात क्या है? आई, मेरे को भी बताओ ना। चुप। अमर चतुर्वेदी से समाचार सुनिए। कल मार्शल जोसेफ स्टालिन का देहांत हो गया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नंगल बांध को आधुनिक युग का देवालय कहा। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिक विकास पर बल दिया है। पूरे समाचार सुनिए। कल मार्शल जोसेफ स्टालिन का देहांत हो गया। रूस के लौह दूसरा बच्चा इस घर में नहीं पलेगा। अपने आकांक्षाओं के अनुरूप निर्माण करने में सफल। दोगला पालने के लिए मैंने कोई अनाथालय नहीं खोला है। लेकिन तुम जानते हो ये बच्चा तुम्हारा है। असाधारण निष्ठा के लिए सचमुच क्रांति के आदर्शों को कार्य रूप में परिणत। लेकिन तुम कल ही मैं तुम्हें नर्सिंग होम में एडमिट कर दूंगा। उनकी आत्मा की शांति। ये बच्चा तुम्हारा ही है। मुझे ये बच्चा चाहिए, हर हालत में चाहिए। सुषमा अब बड़ी हो गई है। बच्चा होने के बाद जब मैं कहूंगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है तो वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? बोलो, सह पाओगी? उषा, उषा ये करने में मुझे कोई खुशी तो नहीं हुई, मजबूरन करना पड़ा। उषा तुम उषा का ही भाड़ ने उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। खिड़ा तेरे ऐसा मत करो, मत करो, ऐसा मेरे पेट में बच्चा है। मिस्टर एंड मिसेस वर्मा, प्लीज साइन हियर। कीज Here, sir. तुम मुझसे प्रेम करते हो? जवाब क्यों नहीं देते? उषा, तुम जानती हो प्रेम जैसे लिपलिपे लफ्जों से मैं बहुत नफरत करता हूं। लेकिन उषा,
तुम जिस गहराई तक मेरे अंदर बैठ गई हो, जिस कदर मेरे दिल और दिमाग पे छा गई हो, उस जज्बात के लिए चाहो तो ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। कहो तो डिक्शनरी लेके सही शब्द खोजने बैठे। इस छोटी सी जिंदगी का इतना सारा वक्त जाया करना चाहती हो जब मेरे अंदर समुंदर का उफान उठ रहा है। तुम्हें आगोश में लेने के लिए मेरी बाहें फड़फड़ा रही है। कैसा चिपचिपा बोलते हो। लिप लिपे के जवाब में चिपचिपा। तुमने उस दिन आत्महत्या के बारे में कहा था, उस पर अमल करने की ताकत है? आजमा लो। अस्पताल में पड़े पड़े आत्महत्या ही मुझे आजादी का एकमात्र रास्ता दिखा। मैं मरना चाहती हूं, मेरी मदद करोगे? मेरे साथ मरना चाहती हो? हाँ। उषा, चुन सकते हो सिर्फ मौत अपनी। बोलो कब कहां कैसे मरोगे? अभी इसी वक्त। मक्का, मैं गोलियां लेकर आई हूं। लेकिन तुम्हारी पत्नी, किसी की जिंदगी किसी की वजह से कैंसिल नहीं होती उषा। अपना अकेलापन सबको अकेले ही बर्दाश्त करना पड़ता है। उषा, उषा, ऐसे मुंह क्या लटकाए हुए हो? देखो उषा, हम जो करने जा रहे हैं उसका मजा लेके करें, तभी उसके कुछ मायने हैं। शांति हो, बस्तर के मुरियाज में किस मौत को सबसे बेहतरीन माना जाता है? वाइल मेकिंग लव। और जस्ट आफ्टर मेकिंग लव। यार, तुम्हारी बारी है। एक साथ क्यों नहीं कर सकते थे? एक साथ इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि हम लैला मजनू नहीं हैं। उषा, जिंदगी की हकीकत को तुमने हमेशा रंगीन चश्मों से देखा है, लेकिन मौत, उषा, मौत बहुत ही निजी मामला है और इसका सामना अकेले ही करना चाहिए, वरना दूसरी मौतों की तरह ये बेमानी हो जाती है।
डर लगा था? लेकिन उस डर को तुम जीत सकी, ये बड़ी बात है। उषा, अलविदा। मरने के बाद हम मिलेंगे सुनील। मरते वक्त भी बचपन के किस्सों का सहारा लेना चाहती हो उषा, ये आखिरी विदाई यही हकीकत है, इसके बाद कुछ नहीं है। अलविदा। मेरी 40 गोलियां टेबल के दाहिने ड्रॉअर में हैं। चाहो तो उन्हें केमिस्ट को लौटा देना। उनके साथ वो गोलियां भी हैं जो तुमने नहीं ली। बहुत बहुत प्यार, सुनील। माफी मांगने आई थी। अंदर आएंगे आप? पर इस बार मैं अकेला हूं। देखो मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। ड्राइवर जरा गाड़ी रोको। उषा, मैंने तुम्हें बताया नहीं या तुमने मुझसे पूछा नहीं या बात ही नहीं निकली, ये सब मुमकिन है। मैं चाहता हूं कि तुम ये भी जान लो कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी दूसरी पत्नी जिंदा है। बच्चा पैदा होने के बाद ही उसे लकवा मार गया था और सालों से पलंग तोड़ रही है। अभी भी वक्त है, सोच सकती हो। तुम वापस जाना चाहो तो ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा, अभी का अभी, इसी वक्त। माँ, ये उषा है, अब यहीं रहेगी।
इसे घर दिखा दो। विनायक बाकी कागजी काम करने में मुस्तैद है, सिर्फ माँ को चिट्ठी लिखने में आलस आता है उसे। घर में रौनक सिर्फ पैसे से नहीं आती, घर में रहने वालों से आती है। आओ। ये ऑल इंडिया रेडियो बम्बई। विनायक भटकता रहता है। आज हम आपको सुनाते हैं गंगूबाई हंगल का गाया हुआ राग मारवा। माँ, बाबा साहब के साथ कोई आई है? विनायक का कमरा ऊपर है। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.